हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू वेलकम एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे पिगिंग फ्लशिंग मेथड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पिगिंग फ्लशिंग मेथड क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। जब प्री कमीशनिंग होता है तो पिगिंग किस लाइन में यूज़ करते हैं, कितना उसका लेंथ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं, या रनिंग कोई पाइपलाइन है उसमें भी कभी कभी पिगिंग फ्लशिंग मेथड का यूज़ करता है, वो कौन सा कंडीशन होता है जब हम यूज़ करते हैं और कैसे उसको कैरी करते हैं, और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं पिगिंग को कैरी करने के लिए। कौन कौन से रिसीवर, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं पिगिंग को कैरी आउट करने के लिए। पिगिंग का जो होता है एक रिसीवर होता है, एक लॉन्चर होता है, उन सब के बारे में डिटेल्स में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैं ये जो सीरीज लेसन का स्टार्ट किया था मेकिंग ऑफ एन इंडस्ट्री फ्रॉम 0% टू 100% लेवल, तो किसी इंडस्ट्री को 0 से 100% तक ले जाना है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसके डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो उसी के सीरीज में मैं पाइपिंग के रिस्पेक्ट में बता ये लेसन बना रहा था। उसमें आप देखोगे तो पाइपिंग रिस्पेक्ट में मैंने एयर ब्लोइंग करते सबसे पहले आइसोमेट्रिक पीएनआईडी आइसो इरेक्शन करता है, फिर पीएनआईडी वेरिफिकेशन होता है, मैकेनिकल क्लियरेंस होता है, हाइड्रो टेस्ट होता है, फिर फ्लशिंग आता है। फ्लशिंग में मैं ये जो टाइप है एयर ब्लोइंग और कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग इसके बारे में बता दिया हूँ, इवन सर्विस ब्लोइंग के बारे में बता दिया हूँ। अभी जो मैं डिस्कस करूँगा आपको ये पिगिंग फ्लशिंग मेथड के बारे में। तो इसको कवर करने के बाद मैं रोटोमल क्लीनिंग के बारे में आपको बताऊंगा, केमिकल क्लीनिंग, बॉक्स ऑफ ब्लीच, कैनेलाइजेशन, ये सारे चीज़ें अगर पाइपिंग के रिस्पेक्ट में आप कर देते हो तो ऑलमोस्ट आपका पूरा पाइपिंग सिस्टम रेडी हो जाता है। करेक्ट, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा पिगिंग। पिगिंग क्या होता है कि सबसे इफ़िशियंट मेथड होता है किसी पाइपलाइन को क्लीन करने के लिए। तो इसको कैसे कैरी करते हैं, दो चीज़ें हो गई, एक तो स्टेडी स्टेट में कोई सर्विस ऑलरेडी फ्लो हो तो ओवर द टाइम उसमें रस्ट लग जाते हैं, साल्ट्स बन जाते हैं, उसको साल्ट स्केल्स बन जाते हैं, तो क्या होता है रेजिस्टेंस कॉज करते हैं फ्लूड को, तो उसको ओवर द टाइम क्या लॉन्ग रन में उसको क्लीन करते हैं। वो नेटवर्क बहुत बड़ा बड़ा होता है, 10 किलोमीटर 15, उसमें ऑनलाइन ट्रैकर भी होते हैं। बट अगर हम बात करें प्री कमीशनिंग के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, वहाँ पे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की लाइन होती है, या फिर आपका 300-400 मीटर की लाइन होती है, डिपेंड करता है आपका लाइन साइज क्या है, 6 इंच का है या आपका 10 इंच का है, 24 इंच का, 20 इंच का, उसके हिसाब से आपका पिक्स अलग अलग साइज के हिसाब से उसके आते हैं और क्लीन करते हैं। तो बेसिकली जो मेथड पिगिंग है वो क्या करता है, जो पाइप के अंदर जो भी मटेरियल हाइड्रो टेस्ट का पानी रह गया, कोई अनलूज मटेरियल हो गया, या फिर नॉर्मली आपको जब पाइप को कमीशनिंग के टाइम वेल्डिंग वोल्डिंग करते हैं उसमें ग्राइंडिंग व्हील या कुछ भी आपका एक्सटर्नल फॉरन मटेरियल रह गया, उन सबको पिगिंग मेथड के द्वारा रिमूव कर देते हैं। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा अभी कि नॉर्मली अभी क्या कंस्ट्रक्शन के साइड में क्या होता है कि पाइप्स ऑलमोस्ट ओपन होते हैं, या फिर ओपन होते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो इस पाइपलाइन को हमें क्लीन करना है, ये 1 किलोमीटर का मान लो आपका नेटवर्क हो गया, उसमें ऐसा नहीं स्ट्रेट नहीं रहेगा, बहुत सारा ऐसा बेंड रहेगा, ऐसा आएगा, तो आपको उसको सबसे पहले क्या पाइपलाइन का हमें सर्वे करना, मतलब चेक पॉइंट आपको देखना होगा। तो हमें करना होगा, तो उसके पहले क्या होता है पिगिंग करने से पहले एक यहाँ पे जुगाड़ लगाया जाता है, बोलते क्या बोलते हैं उसको, रिसीवर बोलते हैं। एक तो हो गया यहाँ पे ऐसा आपका टेम्परेरी ऐसा जुगाड़ रहेगा यहाँ पे, ये बाद में इन ब्लाइंड टाइप का गेट रहेगा, यहाँ पे एक वेंट हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड में क्या होता है फ्लैंज तो होते नहीं, तो क्या उसको वेल्ड कर देते हैं। तो जैसे हम कंस्ट्रक्शन के टाइम इसको हमें क्लीन करना रहा, तो क्या करना था, ये रिसीवर का अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे एक ड्रेन पॉइंट हो गया, और एक कनेक्शन और दे सकते हो यहाँ पे इसको वेंट के लिए। तो क्या होता है कि नॉर्मली पिग जो होता है अलग अलग टाइप का आता है, एक तो हो गया आपका क्रिस क्रॉस हो गया, फिर आपके आ जाते हैं बाद में वायर ब्रश आ गया, बाद में एक रफ सरफेस वाला पिग आता है, फिर आता है फोम जो हाइड्रो टेस्ट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पिग क्या होता है, जितना आपका साइज हो, मान लो ये साइज क्या आपका पाइपलाइन का साइज है जो मैंने आपको बताया है, ये साइज कितना 10 इंच का लाइन है, अभी 10 इंच की लाइन को क्लीन करना है, तो 4 सेट ऑफ पिक्स आते हैं। जब आप कभी कमीशनिंग या प्री कमीशनिंग करते हो, पाइपलाइन को क्लीन करते हो, तो इसी साइज के पिक्स आते हैं, उसको क्या रिसीवर से आपको लॉन्चर से आपको लॉन्च करोगे। अब मैं बताता हूँ कि मतलब वो होता कैसे एक्चुअली में, एक तो आपका कंपोनेंट क्या हो गया, ये इसको क्या बोलते हैं लॉन्चर होते हैं, सिमिलरली इसी सिमिलर वे में आपका क्या होता है ऐसा आपका ऑलमोस्ट ऐसे रिसीवर होता है, जहाँ पे क्या है पिक आपका रिसीव होगा आके। एक ये ड्रेन पॉइंट हो गया, ये
आपका एक वेंट हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट होस कनेक्शन या पीजी का कनेक्शन जैसा दिखा देते हो आप। अब क्या है, इस पाइपलाइन को जो 10 इंच वाली लाइन है इसको आपको क्या है क्लीन करनी है। क्लीन करनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको इसको क्लीन कर इसके अंदर पिग इंसर्ट करना होगा तो लॉन्चर से करते हैं। अब इस लॉन्चर में क्या होगा, पिग आपका ऐसे ऑलमोस्ट इस साइज़ का रहेगा, ऐसे सेम साइज़ का जो पाइप का साइज है ऑलमोस्ट उसी साइज़ का ऐसा पिग आपका ऐसा रहेगा। सबसे पहले क्या है क्रिश क्रॉस करते हैं, वो हार्ड टाइप का पिग होता है तो जो भी मटेरियल सामने आएगा उसको मूव करता जाएगा जो धीरे धीरे घूमते हुए उसको मटेरियल। अब यहाँ पे क्या आपने इंसर्ट कर दिया, पिग आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब पिग को क्या अंदर जाने के लिए कोई मीडियम देना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा। प्रेशर देने के लिए यहाँ पे क्या होता है आपको एयर का प्रेशर देते हैं, आप नॉर्मल कोई भी एयर ले सकते हो, मतलब नॉर्मली न्यूमेटिक एयर ही ले लो जो, या प्लांट एयर आप लोग बोलते हो सिमिलर प्लांट एयर ले लो। प्लांट एयर से क्या करोगे इसको यहाँ पे प्रेशराइज करोगे, एक जगह यहाँ पे प्रेशर गेज पीजी लगा दोगे, यहाँ से आपको पता चलेगा इसके बैक में कितना प्रेशर है, एक ड्रेन पॉइंट। तो स्टार्टिंग में क्या है आप इसको पूरा ड्रेन कर लोगे, पूरे लूप को पूरा जितने भी रहेंगे जितने ड्रेन पॉइंट उन सबको आप क्या करोगे ड्रेन कर लोगे। ओके मतलब आप पूरा पाइपलाइन का पहले सर्वे करो, सर्वे में चेक पॉइंट में क्या क्या आएगा, आपका सारा सपोर्ट वगैरह है कि नहीं, क्योंकि जब आप पिग मूव करेगा ऐसा नहीं कि पाइप रोज सपोर्ट नहीं है तो पाइप को डैमेज कर सकता है, तो उस केस में क्या आपको एक बार सर्वे कर लेना जितना हाइड्रो टेस्ट ड्रेन और वेंट है वो वेल्ड हो गए कि नहीं हो गए। वर्नली LPD जो HPP लो पॉइंट ड्रेन और हाई पॉइंट जिसमें वाल्व के साथ है वो सारे भी आपके बंद हो गए कि नहीं हो गए एक बार ड्रेन करने के बाद, वो सारी चीज़ें आपने इंश्योर कर ली। फिर रिसीवर में आप क्या करो पिग को यहाँ पर डाल दो। अब पिग डालने की बात क्या है, जो आपका ये मैनवे टाइप का रहेगा इसको बंद करने, या तो इन ब्लाइंड टाइप का लगा सकते हो या फिर ओपनिंग क्लोजिंग टाइप का लगा सकते हो, और यहाँ पे यह टेम्परेरी ये जुगाड़ जो रहता है वो क्या रहता है टेम्परेरी टाइप का रहता है, रिड्यूसर काइंड ऑफ लाके इसको बेल्ट कर देते हैं और ताकि उसके हिसाब से उसका मैच हो जाए। तो आप पिग लॉन्च करोगे एयर डालोगे, यहाँ लगभग 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रहता है, पाइप इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, उतना प्रेशर शायद काफ़ी होता है इसको मूव करने के लिए। अब ये पिक धीरे धीरे अंदर मूव करेगा, जैसे ये अंदर मूव करेगा ये ऑलमोस्ट सेम साइज का रहता है तो सरफेस को क्या रब करते हुए धीरे धीरे जितना मटेरियल है उसको पुश करेगा इसको यहाँ तक ले आएगा। बाद में क्या है ये सीधा यहाँ तक आ जाएगा, तो उसमें क्या करता है आने से पहले ये वेंट को क्या ओपन कर लेता ताकि पूरा सिस्टम प्रेशराइज ना हो, तो वेंट यहाँ से यहाँ वेंटिंग होता रहता और ये ओपन कर लेते हैं। अब ये जब ओपन रहता तो आप देखोगे एक साथ बहुत सारा डेब्रिस वाटर जितनी भी हार्ड एक्यूमुलेटेड चीज़ें होती है फॉर मटेरियल वो सब बाहर आएगा पिकिंग में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेब्रिस और ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो एक सेट जब ये निकल जाए तो सारा कचरा आपका जितना डेब्रिस है सब निकल जाएगा। अब सेकेंड सेट में आपका चला जाता है कि वायर ब्रश क्या करेगा, ये पिक रहेगा रोटेट होता है इसको रब करता रहेगा सरफेस को जितने भी लूज मटेरियल पाइप से टच है लेकिन लूज है उन सबको क्लीन कर देगा और बाहर निकाल देगा। इन द सिमिलर वे एक आपका हार्ड मटेरियल का टाइप रहता है जो सरफेस को एकदम रब करता है, वो रब करते हुए जितने भी मटेरियल है उसको रोटेट करते हुए जितना भी जो आपने वायर ब्रश से रब किया उसको भी पूरा निकाल देगा। लास्ट में आता है फोम टाइप का, तो फोम टाइप में क्या होता है कि वो वाटर को जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता जाता है फोम टाइप, तो वो जब फोम टाइप वाले को लॉन्च करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं बाकी वाटर जितने ऑलमोस्ट पहले वाले ही केस में जो है जब हम पहला डालते हैं पिग उसी में ही ऑलमोस्ट सारा वाटर निकल जाता है, लेकिन जो सरफेस पे चिपके रहते हैं या थोड़े बहुत बचे रहते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करते 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 सरफेस को सोक करते हुए क्लीन करते हुए पूरा पाइपलाइन को क्लीन कर देगा। तो पिगिंग क्या है सबसे बेस्ट मेथड होता है क्लीन करने का, मतलब ये पूरे डायमीटर को टच करते हुए तो कुछ भी सामने आएगा वो उसको निकाल देगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि कभी पिग स्टक हो जाता है उसको पता करना कहाँ पे स्टक है, बाद में पाइपलाइन काटना पड़ता है उस पिग को निकालने के लिए, इसलिए सबसे पहले सर्वे किया जाता है। ऐसा तो कोई बेल्ट नहीं है या जॉइंट नहीं है या ऐसा कोई लूप तो नहीं बनना जहाँ पे पिग के फंस जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वैसे केस में क्या था दो लूप बनाया था कि यहाँ तक पिगिंग करेंगे फिर आगे वाले लूप का पिगिंग करेंगे, इसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लाइनअप किया जाता है। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या है पिगिंग करना है आपको। नॉर्मल रनिंग टाइम में क्या होता है अगर आप देखोगे, मान लो ये फ्लूड आपका यहाँ से आ रहा है, ये फ्लूड आ रहा है इधर से और ये फ्लूड यहाँ से जाके ये रिटर्न हो रहा है, ये जो जुगाड़ है ये टेम्परेरी बायपास और लॉन्चर रिसीवर का जुगाड़ रहता है। दोनों अरेंजमेंट जो लॉन्चर रिसीवर होता है ऑलमोस्ट सिमिलर अरेंजमेंट होता है, जहाँ से लॉन्च करते हैं उसको लॉन्चर बोलते हैं और जहाँ से रिसीव करते हैं उसी रिसीवर। अब सपोज पिग हमको लॉन्च करना है, अब हमें इस लाइन में पिग को
पिक को दौड़ाना है, पार्ट को हमें क्लीन करना है, ठीक है। इस पार्ट को हमें क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करना मतलब पिक को उसमें डालना होगा, तो पिक को अगर डालना है तो आप कैसे उसको डालोगे, तो क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले क्या करोगे, ये तो ओपन रहेगा, ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये क्या क्लोज है, ये क्लोज है, क्या करोगे, ये वेंट कर लो यहाँ से, कोई ऐसा तो नहीं कुछ मटेरियल है मतलब प्रेशराइज सिस्टम है, तो वेंट कर इसको ओपन करो, पिग इसमें लॉन्च करो। जैसे पिग यहाँ पे आपका आ गया, सपोज ये पिग यहाँ पे आ गया, क्या करोगे इसको, ये वाला आपका क्लोज है, इसको धीरे धीरे क्रैक ओपन करो, क्रैक ओपन करो तो इसको यहाँ पे पुश कर देगा आपको, पुश करने के बाद क्या करो, इसको धीरे धीरे इसको ओपन करो, इसको ओपन करने के बाद ये जब ओपन हो जाएगा, यहाँ से पार्सली ओपन है, पिग इसके पास में है, धीरे धीरे इसको थ्रॉटल करो, इसको पूरा ओपन करो, मतलब ये पूरा चीज़ लाइनअप कर दो, इसको आइसोलेट कर दो, पिक को क्या है अंदर लॉन्च कर देगा। अब ये पिक धीरे 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 आगे मूव करेगा, अभी पिक को क्या हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है, यहाँ पे निकालना है, अभी तो लाइन इसका नॉर्मल रूटअप कैसे है, यहाँ से जा रहा है पिक, यहाँ मतलब रनिंग फ्लूड यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है, बट हमें पिक को क्या है यहाँ पे निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, अब फ्लूड को क्या करना है हमें, इसे धीरे धीरे क्या करना है, इसको बंद कर देना है, इसको ओपन कर देना है, इसको ओपन कर देना है, तो क्या होगा, फ्लूड यहाँ से यहाँ से यहाँ से धीरे धीरे ये पाथ फॉलो करेगा, तो जैसे जैसे ये पिग यहाँ आएगा, यहाँ से होगा, यहाँ से जैसे क्रॉस होगा पिग यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या करना है आपको, इसको ओपन कर देना है, इसको बंद कर देना है, इसको बंद कर देना, ये फ्लूड पाथ मिला, तो ये पाइपलाइन पूरा क्लीन हो गया, ये यहाँ आने के पास कि ये ओपन रहेगा, ये आपका ओपन करोगे सारा पिग यहाँ से निकल जाएगा, उससे पहले ओपन करने से पहले ये बेंड कर आपको करना है, इनकेस कुछ चीज़ें हैं प्रेशराइज वाला सिस्टम तो धीरे धीरे अपना बेंड होता रहे, बाकी ये पिग यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाए, तो इस हिसाब से पिगिंग को आप पिगिंग को क्लीन कर सकते हो। तो ये जो 15, 20, 30, 40, 50, 100 किलोमीटर का जनरेटर यहाँ पे क्रूड जो होते हैं उसको जो हम लोग पंप करते हैं, एक मतलब आपको जो मरीन टैंक फॉर्म से जो आपका जो क्रूड टैंक फॉर्म होता है वहाँ तक अगर कोई क्रूड पंप हो उसको क्लीन करने की जरूरत पड़ी, या ऐसा कोई सर्विस हो जहाँ पे क्लीन करना पड़ा, तो उसमें इस टाइप का जुगाड़ लगाते हैं मेटेरियल कि ऑनलाइन ही आपको लाइन कहीं पे काटना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, ऑनलाइन ही आप उसको कर लो। तो उसमें जो पिगिंग यूज करते हैं उसमें ट्रैकर लगा होता है, ऐसे नहीं होता, उसमें आपको पता रहे कितना किलोमीटर तक पहुंच गया, कहां पे इसका लोकेशन, केस फंस भी जाए तो हमें एग्जैक्टली पता रहे कि हमें अभी क्या करना है। तो उसका अगर पिक वगैरह फंस जाता तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन सेलिंग करके उसका बायपास बनाते हैं, बायपास उसका बना देंगे, उस मटेरियल को काट के वो कर देंगे, तो इस हिसाब से होता है, नॉर्मली कम होता है वो चांसेस। तो ये ओवरऑल मेथड हो गया आपका पिगिंग फ्लशिंग मेथड का, तो आई होप आपको क्लैरिटी हो गया होगा। लिटरली बोल रहा हूँ, जब आप पिगिंग करोगे तो आप सामने अगर कभी कराओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कितना ज़्यादा डिप, नॉर्मली देखने में पाइपलाइन आपको क्लीन होगा, जब पिक बाहर निकल उसके साथ इतने डेब्रेज, इतने डस्ट मटेरियल, इतना वाटर एक साथ निकलता, लगता है कि कितना अंदर कचरा था, वो निकलने के बाद से लगता है कि रियल में अगर इक्विपमेंट से वो कनेक्टेड है तो इक्विपमेंट तो डेफिनेटली डैमेज होने वाला है। इसीलिए प्री कमीशनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर आपने प्री कमीशनिंग बहुत अच्छे से कर लिया है तो किसी भी चीज़ को कमीशन करना मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। प्री कमीशनिंग एक काइंड ऑफ बोल सकते हो प्रिपरेशन स्टेप है कमीशनिंग का, सब कुछ प्री कमीशनिंग में अच्छा हो गया तो कमीशनिंग तो जस्ट वाल्व ओपन करना हाइड्रोकार्बन लेने के लिए, तो वो बहुत बड़ा बिग डील नहीं होता, बस आपको क्या है आपको पता होना चाहिए प्री कमीशनिंग आपका अच्छा से हो गया, ऐसा नहीं कि बाद में कुछ चीज़ें छोड़ दी जो कैटास्ट्रोफ को कर सकता है। तो ये था छोटा सा समरी मेरा पिकिंग रिस्क के रिस्पेक्ट में, अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको रोटोमल क्लीनिंग और बॉक्स और लीक चेक के बारे में बता दूंगा, तो ऑलमोस्ट पाइपिंग के रिस्पेक्ट में आपका सारा ये कवर हो जाएगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली आप कमेंट करो वीडियो पे, कुछ डाउट है उसको पूछ सकते हो, आई क्लेरिफाइड देयर, और कुछ और जानना है इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री वो भी आप कमेंट कर सकते हो, आई ट्राई टू मेक लेसन ऑन दैट एंड आई विल पब्लिश इट ऑन माय चैनल। सो गाइस थैंक यू सो मच।